हेलो झारखंड, एलिजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर 2023 और न्यूज़पेपर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे 16 अक्टूबर 2023 से, उसको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ कवर करने वाला हूँ। इस लेक्चर में झारखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में और ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको दिया जाता है। साथ ही साथ हाईली इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा और बहुत सारा सेक्शन आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो क्लास को ध्यान से सुनिएगा। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां, ध्यान रखिएगा, 141वां सत्र का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसका उद्घाटन मोदी जी की और अध्यक्षता जो है सभी जो IOC के वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाग, उनके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, मुंबई में इसका सत्र का आयोजन हुआ है और यह दूसरी बार हुआ है 1963 के बाद। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी IOC के बारे में यह बोला जा रहा है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से न्यूज निकल कर आ रहा है कि जो 1936 का ओलंपिक है उसकी जो है मेजबानी है वो भारत करने वाला है, यानी कि इंडिया करने वाला है। तो देखिए आगे जब कंफर्म हो जाएगा तो फिर से जो है से न्यूज में आपको देखने को मिलेगा। फॉर द टाइमिंग ऐसा बोला जा रहा है कि 1936 का जो ओलंपिक होगा वह भारत करने वाला है। चलिए कुछ अपकमिंग जो इवेंट्स है ओलंपिक का, अगर नॉर्मल ओलंपिक के बारे में बात करता है तो आप लोग समर ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक याद रखिएगा। 1924 जो है से पेरिस में होने वाला है, 1928 का जो है से लॉस एंजलिस में होने वाला है, 1932 का जो है से होने वाला है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और 36 में बोला जा रहा है कि इंडिया में होगा। तो ये सब कुछ याद रखेगा। प्रेसिडेंट तो बता दिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थॉमस बाक हैं। इसके सपना 1894 में किया गया था, ध्यान रखिएगा 1894 में किया गया था, लेकिन पहला जो ओलंपिक गेम्स हुआ था ग्रीस के एथेंस में वो हुआ था 1896 में, ध्यान रखिएगा। बाकी हेडक्वार्टर इसका लुजाने स्विट्जरलैंड में है। इतना सारा पॉइंट याद रखिएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। चलिए 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे, यानी कि विश्व खाद्य दिवस। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन इसे पूछा गया है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? तो हम लोग को मेन इसका जो मेन पर्पस होता है सेलिब्रेट करने का, कि हम लोग जो है से कैसे जो है से वर्ल्ड को फीड कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, और कैसे जो है से वैसे नेशंस में जहां पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है उसको इलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर बात कर दिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड सस्टेनेबल गोल बोलता है कि जीरो हंगर करना है। सबसे पहला गोल तो बोलता है कि नो पॉवर्टी है, लेकिन सेकेंड में बोला जाता है कि जीरो हंगर है। उसके बाद ही जो है से गुड हेल्थ रखा गया है, क्योंकि जब आप खाना ही नहीं खाइएगा तो फिर हेल्थ अच्छा कैसे रहेगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ, पहले लेक्चर लाने के चक्कर में दिन में मैं लगा रहता था, ठीक है, कभी 3 बज जाता था, कभी 4 बज जाता था, किसी किसी स्टूडेंट के साथ शेयर भी किया था, तो खाना खाने में इतना टाइम हो जाता था, फिर जो है मेरा हेल्थ खराब हो गया। तभी 3 से 4 महीने से मैं उसको झेल रहा हूँ, अब जाकर सिचुएशन थोड़ा सा हाथ में आया है तो अब मैं खाना पीने पर ध्यान देने लगा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका जो है से भूख है उसको कैसे मिटाना है। अगर खाना ठीक से नहीं खाइएगा तो जो है से पावर्टी मतलब जो है से हेल्थ सही नहीं रहेगा, और हेल्थी सही नहीं रहेगा तो पता है हेल्थी इज वेल्थ, कुछ काम आप लोग कर ही नहीं पाइएगा। इसीलिए बोला जाता है गरीबी को इलिमिनेट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो यही पर्पस है कि लोगों को भूखा न रखा जाए, ठीक है, सबको खाना मिलना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग खाना कभी भी मत फेंका कीजिए, जितना खाना है उतना ही खाइए, बाकी जो बचता है वह किसी से शेयर कर दीजिए। अगर देखिएगा तो ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उसको जो है से फाउंड किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को, उसी के उपलक्ष्य में जो है से ये डेट चूज किया गया था कि हम लोग को वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाना चाहिए। 1981 से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और थीम बाकी सबको मैं जो इंपॉर्टेंट थीम रहता है वही डालता हूँ। तो 2023 का थीम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा, वाटर इज लाइफ वाटर इज फूड, यानी कि पानी जीवन है पानी ही खाना है। बोला जाता है कि बिना खाना के तो आप लोग रख सकते हैं महीनों भर रह सकते हैं नो डाउट, लेकिन बिना पानी के आप लोग नहीं लगता है कि 2-3 दिन से ज़्यादा आप लोग रह पाइएगा, ठीक है। तो वाटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, H2O इसका फॉर्मूला है, और वाटर जो है से वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट याद रखिएगा। तो वर्ल्ड फूड डे भूलिएगा नहीं 16 अक्टूबर को, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछूंगा आगे। तो यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, वर्ल्ड फूड डे वाटर इज लाइफ वाटर इज फूड, ये थीम 2023 का है, काफ़ी इजी है, याद आप लोग आसानी से रख सकते हैं। 1945 में इटली रोम में इसका हेडक्वार्टर है ना, बताना भूल गया था, इटली में पिसा का झुको ही मीनार है जहाँ से गैलीली एक्सपेरिमेंट किए थे, लॉ ऑफ फ्री फॉल दिए थे। सारा चीज़ देख लीजिए, टॉप 5 गोल तो आपको पता होना चाहिए, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी। चलिए अभी तो देखिएगा, तो एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी है उसका जो है से मस्कट का जो है से अनावरण किया गया था, इसको पेटी में सेव करना पड़ेगा, मस्कट का जो है से अनावरण किया गया था यानी सुमकर का, बात करेंगे डिटेल में आगे। इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम मिलेगा, और आप लोग जो है से पैनिक मत हुआ कीजिए,
पीडीएफ कुछ जो है से थोड़ा टाइम के बाद आपको दिया जाता है, क्योंकि देखता हूं मैं उसको कि कुछ उसमें संशोधन करना है या कुछ गलत तो नहीं है, तो उसके बाद ही आपको प्रोवाइड कराया जाता है, या कोई और भी मुझे चीज़ ऐड करना होता है तो उसको ऐड करके आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत सारा चीज़ें मिलेगा, मैप टेस्ट क्वेश्चन होता है, जेसीसी या जेपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि करंट अफेयर्स का होता है, और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी आपको आंसर देखने को मिलेगा, तो आपको क्लास में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स गियर अप। पहला क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर में आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता में बीआईटी मेसरा के छात्रों ने कुल कितने मेडल जीते, 2, 3, 4 या फिर 5? तो यहाँ पे कुल जो है 4 मेडल जीता गया था। ओके, या 4 मेडल था, देख लीजिएगा। तो बोला जा रहा था कि उद्घोष, आईआईटी जो कानपुर में आयोजित किया गया था वार्षिक खेल प्रतियोगिता, उसका नाम उद्घोष रखा गया था, तो उसमें जो बीआईटी मेसरा रांची के छात्र हैं वो जो पावर लिफ्टिंग में कुल 4 पदक रजत जीते थे, यानी चार पदक बोलिए, और चारों के चारों जैसे सिल्वर ही था। नाम था प्लेयर्स का हर सिंह, श्रेया था, आदित्य था और अनिश था। ठीक ना, ये कुछ याद रखिएगा। तो आईआईटी कानपुर की स्थापना देख लीजिएगा 1959 में किया गया था, और भारत का एसेटिक डोज का है यह, भारत का पहला आईआईटी था खड़गपुर 1951 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, खड़गपुर जैसे वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में खड़गपुर है, और पहले तो आपको पता होगा ये जो खड़गपुर था ये फेमस था कि यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, उसके बाद गोरखपुर आया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में गोरखपुर ही सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है इंडिया का, या फिर दूसरा है। ठीक है, दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है बताइएगा जरा। और झारखंड का पहला आईआईटी आपको आईआईटी धनबाद देखने को मिलेगा, आईआईटी देखिएगा तो इसको तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के 1926 में किया गया था, बाकी आईएसएम को आईआईटी का दर्जा जो है से दिया गया था 2016 में, और यह झारखंड का पहला और एकमात्र आईआईटी है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो है सिर्फ कुल 23 आईआईटीज हैं, गवर्नमेंट के बारे में बात कीजिएगा तो। ओके, तो चीज़ याद रखिएगा। बाकी कानपुर के आसपास जहाँ पे आईआईटी कानपुर है उसके पहले आप लोग जाइएगा, खुद विजिट कर चुका हूँ, तो आप लोग आपको इंडियन पर्ल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा ना, तो इंडियन पर्ल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलेगा तो कानपुर को लगा दीजिएगा। दूसरा बात है, कानपुर को लेदर सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है ना, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। और बाकी ग्रीन पार्क जो है से स्टेडियम भी है। एग्जाम में जब मजा लेने आता है ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक जो है पार्क नहीं है, वहां पे ग्रीन पार्क लिखा रहता है। ठीक है, चलिए, और एक और क्वेश्चन पूछता है, तो ये पार्क नहीं है, ग्रीन पार्क ये स्टेडियम है। ओके, बाकी पूछता है ईडन गार्डन, बताइए कि इनमें से कौन एक गार्डन नहीं है, तो ईडन गार्डन आपसे पूछता है कोलकाता वाला, तो ये क्रिकेट का स्टेडियम है, ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है। यहां तो विजिट कर चुका हूं लेकिन यहां पे जाना बाकी है, तो इसका आंसर 4 है। ठीक है, तो सारा चीज हो चुका है। हाल ही में राज्यपाल ने प्रोफेसर सुखदेव भोई को कुलपति के पद से हटा दिया है, वे किस विद्यालय के कुलपति थे, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोयलांचल विश्वविद्यालय, कुल्हान विश्वविद्यालय या फिर सिधो कान्हो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बोलिए। आंसर इसका भी है कोयलांचल विश्वविद्यालय। लोकेशन कहाँ पे है, तो इसका पूरा नाम है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, तो ये इसका लोकेशन धनबाद में है। आइए देख लेते हैं, तो सबसे पहले बात है कि जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था वह 23 मार्च 2017 को किया गया था, यानी उसी दिन जिस दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। बाकी जो ये जो प्रोफेसर हैं सुखदेव भोई, उनके विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार का मामला निकल कर आ रहा था, जिसमें प्राइमरीली जो बोला गया था वो कि फाइनेंशियल गड़बड़ी किए थे, पैसे का हेरफेर, यानी कि पैसा आया कुछ काम करने के लिए वह कुछ और कर लिया, अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ काम कर दिए, और प्रशासनिक अनियमितताओं का भी आरोप है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है एडमिनिस्ट्रेशन है विश्वविद्यालय का उसको ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे थे, जिसके चलते इनको हटा दिया गया था। कहीं भी आप लोग जाते हैं तो अगर काम ही ठीक से नहीं कर पाइएगा तो कौन रखेगा आपको, तो इसीलिए इनको जो कुलाधिपति हैं, राज्यपाल होते हैं ना विश्वविद्यालय, जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलाधिपति होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। या फिर विनोद बिहारी महतो कौन है, तो विनोद बिहारी महतो एके राय और शिबू सोरेन जो हैं से यह जो हैं से झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 1973 को किया गया था, भूलिएगा नहीं। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में है। ओके, तो ये सारा चीज देख लीजिएगा। धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है, और इसमें यहाँ पे इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, झरिया कोल फील्ड तो आपको पता होगा, धनबाद का सबसे बड़ा कोल फील्ड है। ठीक है, आंसर इसका बी है।
बाकी अगर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कीजिएगा तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक बार मैं डिस्कस कर रहा था कभी ना माइंड पे से उतर जाता है, तो इसको बोला था कि ये पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो भाग था, लेकिन ये भागलपुर यूनिवर्सिटी का भाग नहीं था, इसको रांची यूनिवर्सिटी से अलग किया गया था। बाकी तो कोल्हान विश्वविद्यालय और जो NPU है दोनों की स्थापना 2009 में किया गया था। सिधो कान्हू यूनिवर्सिटी है वो 1992 का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, वहाँ पर BIT मिश्रा के बारे में जो है से बताना भूल चुका था, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो BIT मिश्रा है उसकी स्थापना 1955 में किया गया था, और BIT में बी का मतलब बिरला होता है ना, और BIT सिंधी में बी का मतलब बिरसा है, और BIT मिश्रा जो है से झारखंड का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है। रीड कर सकते हैं आप लोग क्या क्या गड़बड़ी किया गया था यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। झारखंड में होने वाले महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का शुभंकर या मस्कट इसको बोला जाता है क्या है, जूही, कली, गीता या फिर पायल? तो इसका सही आंसर है जूही। तो जूही जो है से देखिएगा, तो अभी वर्तमान में जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप होने वाला है उसका शुभंकर है। देखिए, ये जो महिला है हॉकी चैंपियनशिप होने वाला है या भारत में पहली बार होने वाला है, ठीक है, और भारत में पहली बार कहाँ पे हो रहा है, तो झारखंड में हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। झारखंड के इसमें तीन प्लेयर संगीता कुमारी हैं, सलीमा टेटे हैं और निकी प्रधान, तीन प्लेयर झारखंड के भी इसमें इंक्लूड हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जूही नाम आप लोग मत भूलिएगा। जूही जो है से एक हथनी है, ठीक है, जिसका संबंध जो है से बेतला नेशनल पार्क से है, ठीक है, किससे है, बेतला नेशनल पार्क से। बी का मतलब क्या होता है, तो बाइसन होता है, एलिफेंट होता है, टाइगर होता है, लियोपॉड होता है और एक्सिस होता है, ये सब याद रखिएगा। बेतला का फुल फॉर्म भी है, प्लामू और लातेहार में यह पड़ता है। 1996 में इसको जो है से नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और जो प्लामू टाइगर रिजर्व है पता होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको लाया गया था। टोटल 9 उस समय टाइगर रिजर्व थे जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है से लाया गया था। तो भारत का बोला जा रहा है कि जो पहला मुकाबला है वह 27 अक्टूबर को थाईलैंड से होगा। कैपिटल इसका बैंकॉक है थाईलैंड का, और थाई बहुत यहाँ पे करेंसी चलता है, ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी जो जूही के बारे में बोला जा रहा था कि इसका कहानी जो है से जो बेतला नेशनल पार्क है उसमें काफ़ी प्रेरणादायक है। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनको जो है से यह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, यानी काफ़ी जो है से यह हेल्प करती है, तो प्रेरणादायक इसका कहानी है, ठीक है, आंसर इसका ही है। देखिए, आप लोग तो सुनते होंगे झारखंड में काफ़ी ज़्यादा जो एलिफस मैक्समस है वो झारखंड का स्टेट एनिमल है, तो इस देखे होंगे कभी मैन का और हाथी का जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इसमें जैसे हाथी कभी घर को कुचल देते हैं या कभी हाथी जो है से आदमी कुचल देते हैं, तो ऐसा क्यों निकल कर आता है? तो कहीं ना कहीं देखिएगा इनका जो प्राकृतिक आवास है उसको हम लोग नष्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग इनको प्रॉब्लम में डालिएगा तो इंसान को भी प्रॉब्लम में डालेंगे। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप लोग एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा तो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। सिर्फ बोला जाता है कि जो कोबरा सांप होता है, फनीकुआ सांप इसको बोला जाता है, वो जैसे काफ़ी बदमाश होता है, वो उसको छोड़कर बाकी सारा इंसान आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। आंसर इसका ये है, जूही, याद रखिएगा। और इसका शुभंकर है, उसका अनावरण जो है से हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था, यानी कि झारखंड के 11वें CM और व्यक्ति के रूप में 5वें CM के द्वारा। यही है हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान और रूलिंग CM हैं, ठीक है, रूलिंग पार्टी के CM है, ऐसे बोलिए। देख सकते हैं इस तरह का जूही आपको दिख रहा होगा, हाथी है, हाथनी बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क और ऑनलाइन शिक्षा के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ममता ऐप, गुरुजी ऐप, जी गुरुजी ऐप या फिर शिक्षा सबका अधिकार ऐप? आंसर इसका सी है, जी गुरुजी ऐप का जिसे इसका जो है से नाम रखा गया है, जो अभी जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जो है अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको जल्दी मिल जाएगा। नाम रखा गया है जी गुरुजी ऐप ना, गुरुजी किसे कहा जाता है, तो गुरुजी दिसोम गुरुजी बोला जाता है शिबू सोरेन को, ठीक है। और अभी गुरुजी रसोई योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना था उसका नाम गुरुजी रसोई योजना कर दिया गया है 2021 में। देखिए इस तरह से होता है, 2021 में जो है इसका नाम किया गया, शुरू किया गया था दाल भात योजना 2011 में अर्जुन मुंडा के टाइम में। ये तो हो चुका है, कुछ एस्थेटिक पर्सन में याद रखिएगा। और ऑलरेडी झारखंड में दो ऐप काम कर रहा है, एक है डीजी स्कूल ऐप 1 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए है, और एक लर्निटिक ऐप है जो कि 9 से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, और एक है ई विद्यावाहिनी ऐप, इसको तो जानते होंगे। ये जैसे सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उनको जो है ऐसे ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए ई विद्यावाहिनी ऐप को लॉन्च किया गया था 2017-18 के आसपास, इसको लॉन्च किया गया था ना, ई विद्यावाहिनी ऐप के बारे में बोला जा रहा है। ओके, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है विश्व सेवा परिषद के द्वारा झारखंड सेवा रत्न अवार्ड 2023 किसे दिया जाएगा, या 20 अक्टूबर को दिया जाएगा। मैं इस पर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, डबल टिक लगा लीजिएगा। महेंद्र सिंह धोनी, कामनी कुमार, महुआ मांझी, सुजीत कुमार केसरी। सही आंसर डी है, सुधीर कुमार केसरी। तो सुजीत कुमार केसरी हैं, इनको झारखंड सेवा रत्न अवार्ड 2023 दिया जाने वाला है। तो नाम मत भूलिएगा, सुजीत कुमार केसरी, SKK। आइए देख लेते हैं, तो यह अवार्ड उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है, ठीक है। और चमेली देवी जैन पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, भी याद रख लीजिए, का यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में। देखिएगा तो यहाँ पे केसरी का कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि चांस है कि आपको आगामी एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको जो है अवार्ड मिल चुका है। सारा कहानी जो बुक है, रचनाएं बोलिए, वो न्यूज में है। कहानी पिठोरिया की, ऐतिहासिक गांव सुत्याम्बेगढ़। सुत्याम्बे में वर्तमान में लोकेशन कहाँ है जरा बताइएगा। अब इन टूटे तारों से कौन प्यार करेगा, भारतीय संस्कृति में अंक का महत्व, सब कुछ लुटा तो लुटाना सीखा, ठीक है, ये बुक देख लीजिएगा। तो सब पांच प्रमुख रचनाएं हैं सुजीत कुमार केसरी के द्वारा, इनको झारखंड सेवा रत्न अवार्ड 2023 दिया जा चुका है। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हैं और चेन्नई सुपर किंग्स से हैं। इनके बारे में पूरा आपको बायोडाटा पता होना चाहिए, क्वेश्चन पास्ट में भी आ चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा सा झारखंड रत्न के बारे में बात कीजिएगा, तो 2007 में इसको शुरू किया गया था और पहली बार झारखंड रत्न महेंद्र सिंह धोनी जी को ही दिया गया था। बुक सब देख लीजिएगा, सुत्याम्बे आपको गुमला मिलेगा, ठीक है। अब आता है झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो वस्त्र उद्योग के लिए जो NIT जमशेदपुर है, उसको केंद्र सरकार से अभी जो है 1.66 करोड़ रुपया दिया गया है। और उसमें बोला जा रहा है कि भाई आपको हवाई जहाज का जो सीट होता है, प्लस में पैरासूट सामग्री जो होता है, उसका जैसे निर्माण करना है। तो जमशेदपुर को याद रखिएगा। बाकी कुछ दिन पहले न्यूज में आप लोग सुने होंगे कि देश का पहला जो है हाइड्रोजन इंजन प्लांट जो है लगाया गया था जमशेदपुर में, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है। जमशेदपुर जगह अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है, इसको भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। यह जो है स्वर्ण रेखा और खरकई रिवर के कन्फ्लुएंस पर है, ठीक है। खरकई, करकरी और कांची, ये तीनों रिवर जो है वह स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं, और कांची पर तो दशम वाटरफॉल भी है रांची में। प्रथम राज्य स्तरीय सुकोकाई कराटे चैंपियनशिप रांची में हुआ, इसमें 9 जिले पार्टिसिपेट किए थे। छोटा सा न्यूज है, ध्यान रखिएगा। कोलकाता में संपन्न हुआ तभी राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप, उसमें झारखंड के एक लेखराज हैं तो वह रजत पदक जीते थे, यानी कि सिल्वर मेडल जीते थे। अभी हाईकोर्ट ने देखिएगा तो स्वर्ण रेखा जो बहुदेशी परियोजना है, उसको बंद करने पर जो है जवाब मांगा था कि भाई आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं। सरकार इसको 2020 में जो है बंद करने के लिए जो है मतलब बंद करने की घोषणा किया था। तो अभी हाईकोर्ट ने बोला है कि क्यों आप लोग बंद कर रहे थे, जरा सा हमको भी तो बताइए। नेक्स्ट, विक्रमादित्य आयोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ रहा है, ठीक है, आपको पता होगा विधानसभा जो नियुक्ति घोटाला हुआ था, बताया था कि विधानसभा में अलग अलग पदों पर 150 जो पर्सन थे उनको जो है गलत तरीकों से नियुक्त किया गया था। तो 14 बिंदुओं पर जो है कार्रवाई करने की अनुशंसा इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। 2007-08 का मामला है, उस समय आलमगीर आलम विधानसभा के अध्यक्ष थे, डिस्कस किया था आपसे। झारेरा फुलफॉर्म न्यूज में आ रहा था, फुलफॉर्म होता है झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। झारखंड में एसी और एसटी को साइकिल जो है कल्याण विभाग देता है। अभी साइकिल जो है वितरण किया जा रहा था, 8वीं कक्षा में दिया जाता है बच्चों लोग को, तो 8वीं कक्षा में छात्र छात्राओं को दिया जाता है। तो ये जो एसटी और एसटी को साइकिल दिया जाता है वह कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है, लेकिन सामान्य वर्ग को जो साइकिल दिया जाता है वह स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के बारे में बात किया जा रहा है, तो न्यूज में ये आ रहा था कि एससी और एसटी को तो साइकिल दिया जाएगा, लेकिन सामान्य वर्ग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा दिया जाता है, यानी कि अलग डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पास आउट होता है तब जाकर दिया जाता है, डायरेक्ट पैसा जो है ट्रांसफर किया जाएगा इस पर न्यूज। नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। तो ये जो न्यूज यहाँ पे लिया जाता है वह कहाँ से लिया जाता है, एक तो आपका दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है उसे लिया जाता है, और साथ ही साथ जो द हिंदू का लर्निंग कॉर्नर है वहाँ से न्यूज उठाया जाता है। द हिंदू का लर्निंग कॉर्नर आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, चाहे आप लोग जीके के लिए बोलिए या फिर करंट अफेयर्स हो उसमें आपको हेल्प करेगा, या फिर आपको वोकेबलरी इंप्रूव करना हो या फिर कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम होता हो तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी द हिंदू का लर्निंग कॉर्नर आपको हेल्प करेगा, ठीक है।
तो ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि 1900 में जो गेम हुआ था ओलंपिक का, उसमें क्रिकेट में जो है गोल्ड मेडल जीता था इंग्लैंड। तो लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट शामिल किया जाएगा। एलिस्टर कुक है, इंग्लैंड के पर्सन है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ये जो है क्रिकेट के सभी प्रारूप से, सभी फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिए हैं। तो डायरेक्ट जो है आपको पूछा जा सकता है कि यह किस खेल से रिलेटेड है या फिर कहाँ से यह बिलोंग करते हैं। विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2023 जो कि होने वाला था शर्म अल शेख मिस्र में, तो भारत जो है यहाँ से पल्ला झाड़ लिया, यानी कि बोला कि हम लोग यहाँ अपने खिलाड़ी को नहीं भेजेंगे, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो शर्म अल शेख है वो मिस्र से, जो आप लोग गाजा पट्टी या फिर इजाल देखिएगा, वहाँ से मात्र 400 किलोमीटर दूर है और इसका सीमा जो है गाजा पट्टी के साथ और इजाल के साथ दोनों के साथ लगता है। इसीलिए जो है सिक्योरिटी के व्यू से बोला जा रहा था कि हम लोग जो है अपने प्लेयर को नहीं भेज सकते हैं, तो कुछ न्यूज में आ रहा था। बाकी ये चीज़ तो मैं डाल चुका हूँ कि 2036 में ओलंपिक जैसे भारत में होने वाला है। विश्व सफेद छड़ी सुरक्षा दिवस 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2022, तो सरस्वती सम्मान 2022 जो दिया गया वह तमिल लेखिका है जिनका नाम है शिवशंकरी, उनको दिया गया है। सूर्यवंशम इनका कृति है उसके लिए। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, सूर्यवंशम है, शिवशंकरी को दिया गया है, तमिल लेखिका है, 2022 का यह सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान होता है, उसके बाद व्यास सम्मान है, ये सब जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ना, ठीक है, ध्यान रखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बाकी ये इंडेक्स याद रखिएगा, विश्व भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, ठीक है। ये बड़ा तो मुझे गुस्सा आता है इसको देखकर, मतलब जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी जो है से, मतलब उन लोग का रैंक हम लोग से अच्छा है, इतना बुरा सिचुएशन अफगानिस्तान के साथ कंपेयर करके देखा जाता है। बाकी ईडब्ल्यूएस आपको पता होगा, इस लोगों को 10% जो आरक्षण दिया गया था वह जो है 103वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। संविधान में अब तक जो है 106 बार संशोधन हो चुका है और कुल जो है बिल लाया गया है वह 128 बार लाया गया है, ठीक है। तो अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना है 106वां संविधान संशोधन बना है, 106वां बोलिए संविधान संशोधन अधिनियम बना है और यह बिल था 128वां, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है, तो जितना भी जो लोकसभा में बोलिए जो बिल आता है वह सब जो है कानून, लोकसभा राज्यसभा बोलिए जितना बिल आता है वह सब कानून नहीं बन पाता है, इसीलिए नंबर में 128वां है और ऐसे जो है यह 106वां है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये तो ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट है अभी 106वां 128वां बिल है, 106वां एक्ट बना है नारी शक्ति वंदन, जो वुमेन रिजर्वेशन जो है बोला जा रहा था बिल, 33% आरक्षण दिया जा रहा था लोकसभा और राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए। बाकी जीएसटी 101वां संविधान संशोधन एक्ट था ना, ध्यान रखिएगा 101वां संविधान संशोधन एक्ट जीएसटी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सब कुछ हो चुका है ना यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट जो है ई कचरा दिवस मनाया जाता है, यानी कि ई वेस्ट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 14 अक्टूबर को। और बाकी विश्व मानक या स्टैंडर्ड दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले आपको पता होगा बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें क्या होता था कि मुझे जैसे गेहूं चाहिए और आपको चावल चाहिए, तो मेरे पास गेहूं है आपके पास चावल है, उल्टा हो गया, फिर से बोलता हूँ। जैसे देखिएगा कि अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल चाहिए और आपके पास जो ऐसे चावल है आपको गेहूं चाहिए, तो मैं आपको गेहूं दे दूंगा आप मुझे चावल दे दीजिएगा, तो इस तरह का जो सिस्टम होता था वो बार्टर सिस्टम चलता था। लेकिन ये जो काफ़ी प्रॉब्लम में डालने वाला चीज़ था, मतलब अगर मुझे गेहूं चाहिए और मेरे पास चावल है तो मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जो ऐसे चावल है और उसको गेहूं भी चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम वाला चीज़ था, तो इसके लिए जो है एक स्टैंडर्ड चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया, यानी कि आप लोग जो है इसको बेचकर जो है मनी ले लीजिए और मनी का यूज आप लोग कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कर सकते हैं। तो अब ये सिस्टम है, तो यह स्टैंडर्ड यूनिट भी आप लोग सुनते होंगे, कोई भी चीज़ का यूनिट जो है से स्टैंडर्ड यूनिट याद रखा जाता है, यह पूरे वर्ल्ड में चलता है। कहने का मतलब कि हम लोग जो है एक मीटर में जो है जस्ट मान लेते हैं कि जो वर्ल्ड में एक मीटर मापा जाता है अलग अलग में, तो बोलिए एक मीटर हम लोग जो है इतना लंबा ले लिया, ठीक है, हम लोग इतना लंबा लेते हैं, और अमेरिका बोलता है कि हम लोग एक मीटर इतना ही लंबा लेंगे, तो हम लोग एक मीटर यहाँ के लेकर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ लेकर आएगा तो बोलेगा हम तो एक मीटर लाया हूँ, आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सब काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, सोवियत संघ के संस्थापक पता होगा, यूएसएसआर के बारे में जानते होंगे, तो ये संस्थापक हैं व्लादिमीर अलिच लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन के बारे में याद रखिएगा, यही जो है सोवियत संघ के संस्थापक थे और विघटन हुआ था आपको पता होगा 1991 में यूएसएसआर का। ब्रिटेन में आयोजित हुआ था कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता, उसमें भारतीय सेना ने भाग लिया था और उसमें गोल्ड मेडल इसके द्वारा जीता गया, भारतीय सेना के द्वारा।
नागालैंड का पहला जैसे मेडिकल कॉलेज खोला गया है, तो यह देखिएगा पहला मेडिकल कॉलेज है नागालैंड का, यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ठीक है, कोहिमा में खोला गया, जो कि नागालैंड का कैपिटल भी है। यहाँ पे एक नटंगी नेशनल पार्क भी है ना नागालैंड में, याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, जब कि अभी क्या हुआ था 1991 में, हम लोग क्या किए, हम लोग जैसे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में चल गए, यानी कि जो एलपीजी रिफॉर्म होता है वो भारत 1991 में लाया था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो हैं पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उन्हीं के टाइम में जैसे एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, तो हम लोग जैसे ग्लोबल वर्ल्ड में जो है इंटर कर चुके थे, यानी कि आज देखिएगा तो वर्ल्ड में कहीं भी जो है प्रॉब्लम होता है तो जो तो ऐसे हर एक कंट्री प्रभावित होता है, उसी तरह से जिस तरह से आपका जो बॉडी है उसमें कहीं भी कोई भी दुख दर्द हो जाए तो पूरा बॉडी जो है से कष्ट में आ जाता है, तो आज देखिएगा तो पूरा वर्ल्ड जो है ना से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए जो है से कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी इसराइल आपको पता होगा, इसराइल गजा पट्टी में लड़ाई चल रहा था तो बताया था, तो वहाँ पर देख लीजिए कितना ज़्यादा व्यापार 2022-23 में जो है से हम लोग जो है से इसराइल के साथ कर रहे हैं, 10.77, ठीक है, यह जो है से अरब डॉलर में है, तो इतना रुपए का जो है से व्यापार भारत और इजराइल के बीच में है। तो देखिए किस तरह से आगे चलेगा, कुछ न्यूज आएगा, ये सब अभी जितना भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसके बाद जो है से फिर से न्यूज में आएगा कि क्या क्या हैम्पर हुआ, तो सब हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी इजराइल जो है से इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो कि 2017 में विजिट किए थे। इजराइल का कैपिटल है इजराइल जेरूसलेम और यहाँ पे चलता है सेकेल, इजरायली सेकेल यहाँ पर का करेंसी है, तो सब कुछ याद रखिएगा। और दिन प्रतिदिन जो है से जो व्यापार है वह बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, काफी स्लो डिस्कस कर रहा हूँ तसल्ली में। झारखंड में पटी से क्वेश्चन है, इन जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा जिला आएगा, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग। तो सबसे पहले आएगा हजारीबाग, उसके बाद चतरा आएगा, उसके बाद पलामू आएगा, फिर गढ़वा आएगा, तो यानी कि इधर से देखिएगा तो जैसे थर्ड नंबर पर पलामू आएगा, देख लेते हैं हम, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, इस तरह से जैसे ईस्ट टू वेस्ट आपको लगाने के लिए बोला गया था, ठीक है ना, इसका आंसर सी पलामू हो जाएगा। ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख रहे हैं, जो है नॉर्थ छोटा नागपुर का डिस्ट्रिक्ट है, सारा देख लीजिएगा, इधर हजारीबाग और चतरा, हेडक्वार्टर इसका हजारीबाग है, सबसे बड़ा प्रमंडल है, तो पलामू प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल बताया था। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा या त्यौहार कौन सा है, जेसीसी एक साई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जावा, सरहुल, बंदना या फिर कर्मा, तो आंसर इसका सी है, या बंदना त्यौहार को जैसे कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, दीपावली के जस्ट बाद मनाया जाता है। देखिएगा तो बंदना अब एक सोहराई है, ये झारखंड में पशुओं का त्यौहार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जावा जो है से अच्छी प्रजनन क्षमता और परिवार के खातिर इसको मनाया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा, यह देखिएगा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सरहुल जो है से चैत्र मंथ के जो चैत्र मंथ होता है उसके तृतीया को मनाया जाता है, और कर्मा जो पर्व होता है वो भादो एकादशी को मनाया जाता है, और इसमें कर्म वृक्ष की पूजा भी किया जाता है, और कभी कभी इसका ना कंपेयर जो रक्षाबंधन त्यौहार होता है, रक्षाबंधन देखते होंगे, तो उसका कंपेरिजन जैसे झारखंड के कर्मा से किया जाता है, सॉरी कर्मा का कंपेरिजन रक्षाबंधन त्यौहार से किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बनना पर भी इसका आंसर है। झारखंड बजट जो 2023 किस दिन प्रस्तुत किया गया था, ये 16 अक्टूबर का क्वेश्चन है आपसे, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे रहे हैं भाई, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, डिस्कशन काफ़ी छोड़िए मुझे बोलना ही नहीं, आप लोग आंसर का दीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, किस दिन जैसे जो प्रस्तुत किया गया था झारखंड का बजट, डिटेल में इसको डिस्कस कर दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में एक स्लाइड ही लूंगा इस पर डेडिकेटेड, जो कि झारखंड बजट के बारे में रहेगा, जो कि होगा नेक्स्ट क्लास में, तो इंतजार कीजिए, फॉर द टाइमिंग इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। लास्ट टाइम से पूछा गया था कि झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन है, जोबा मांझी, अन्नपूर्णा देवी, अंबा प्रसाद या फिर महुआ मांझी, आंसर डी है, महुआ मांझी है, 2022 में जो है राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे, और देखिएगा तो यह निर्विरोध चुने गए थे, यहाँ पर देख लीजिए जितना चीज लिखा हुआ है वह सीधे मैं न्यूज़पेपर से उठाकर लाया हूँ, ठीक है, तो 2022 में यह निर्विरोध चुनी गई थी, और देखिएगा तो जेएमएम की महिला पार्टी के लिए वो जो है पूर्व अध्यक्ष मांझी, हाँ 2013 से 16 तक यह राज्य महिला आयोग की जो है अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। 14-19 में चुनाव भी लड़ी थे, जो कि चौथा विधानसभा, पांचवा विधानसभा था चुनाव, लेकिन वो जो है
तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो क्लास में फीडबैक अपना जरूर दे दीजिएगा, और कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट उसमें चिपका दीजिएगा, और क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर भी आप लोग जरूर दीजिएगा। यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।